क्या कोई तीसरा नेत्र है या शिव नेत्र है? ऐसा आपने बहुत सा पढ़ा है और आप सुनते भी हैं शास्त्रों में कि कोई थर्ड आई होती है, दिव्य दृष्टि होती है। क्या वास्तव में ऐसी कोई तीसरा नेत्र या थर्ड आई, दिव्य दृष्टि कुछ है ऐसा? तो इसी के बारे में जानेंगे। तो नमस्ते, मैं पवन यादव रामपुरा झज्जर से। तीसरा नेत्र निश्चित ही है, अब उसकी लोकेशन कहाँ पे है, हमारे शरीर में तीसरा नेत्र कहाँ पर है, उसका रंग रूप क्या है, वो क्या काम करता है, इसी के बारे में अगले वीडियो में हम जानेंगे। अभी तो इस गलत फहमी को तोड़ना ज़रूरी है कि कोई शिव नेत्र है या नहीं है। शिव नेत्र है जिससे कि संपूर्ण जगत को हम देखते हैं। अभी जो ये हमारी सामने दो आँखें हैं, मेरे चश्मे के अंदर दो आँखें आपको दिखाई दे रही होंगी, ये आँखें आँखें नहीं हैं, इनको लोग आँखें समझने लगते हैं। ये तो सिर्फ एक चश्मे का काम करती हैं, सिर्फ ये एक चश्मा है जो तस्वीरों को छोटा या बड़ा करता है, ये देखने का काम नहीं करती हैं। देखने का काम तो हमारे दिमाग के अंदर बीचों बीच ब्रह्मरंथ है, एक जगह का नाम है ब्रह्मरंथ, उसके अंदर एक तारे की तरह चमकता हुआ तीसरा नेत्र है, या कह लो एक तत्व है, या एक पदार्थ है, या सब्सटेंस है। वो ही इस जगत को देखता है, वो इस जगत को भी देखता है और वो सपनों को भी देखता है, और आने वाली घटनाएं, भविष्य में क्या होने वाला है, उनको भी वही देखता है। तो देखने का काम ये दोनों आंखें नहीं करती हैं। तीसरा जो नेत्र है, तीसरी आंख सभी के पास होती है। अपने आप को बड़ा ना समझे कि हमारे पास ही तीसरी आंख है, नहीं नहीं, सबके पास होती है। वो देखने का काम सभी जीवों में, जानवरों में, कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, कीट पतंगे, मकोड़े, पंछी, देवता, सभी को दिखाने का काम वो शिव नेत्र ही करता है, जिसको तीसरी आँख कहते हैं। तो तीसरी आँख तो है, उसकी जगह भी मैंने बताई है कहाँ पे है वो। अब आप कहेंगे कि ये जो दो आँखें हैं, ये मोटी मोटी दो आँखें दिखाई दे रही हैं, किसी की बारीक होती हैं, पतली होती हैं, किसी की मोटी होती हैं, तो ये जो काम करती हैं, ये रोशनी को या तस्वीरों को छोटा बड़ा करने का काम करती हैं। सामने खेत पर हैं, सामने वो दूर गांव है, ये फसल है, तो ये एक तस्वीर बनी हुई है। इस तस्वीर को जब छोटा करना होता है तो वो छोटा करने का काम हमारी जो ये दो आँखें हैं, ये आँखें नहीं, इनको चश्मे कहेंगे, ये चश्मे तस्वीर को छोटा करके हमारी तीसरी आँख तक पहुँचाते हैं। बस इसको अगर हम आँखें कहें इन दोनों को, तो ये हमारी मूर्खता है। आँख का मतलब है देखने वाला तत्व। तो देखने वाला तो ये जो आँखें हैं, मेरी जो आँखें सामने दिखाई दे रही हैं आपको चश्मे के अंदर, आपकी भी दो आँखें हैं, ये देख नहीं रही रही हैं। कभी कभी ये तस्वीरों को थोड़ा बड़ा भी कर देती हैं। तो आज हमने यही जाना, जैसे मैं ये काला चश्मा लगाया हुआ हूँ, ऐसे ही ये कुदरती चश्मे, इसके नीचे जिसे आप आँखें कहते हैं, वे झूठ हैं। ये दो जो आँखें हैं, ये सिर्फ, इसको हम चश्मे कह सकते हैं, आँखें नहीं कह सकते। आँखें कहना ही शब्द गलत है, इसीलिए बड़े बुजुर्ग डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, इनको आई कहते हैं, आईज, आँखें कहते हैं। तो उनकी गलत सोच की वजह से आम आदमियों को भी, हमें भी ये गलत फहमी हो जाती है कि ये दो आँखें हैं। आँख तो एक ही है और वो हमारे दिमाग के अंदर, दिमाग के बीचों बीच ब्रह्मरंथ में है। तो आज हमने ये गलत फहमी तोड़ी है कि आँखें हैं या नहीं, या तीसरी आँख है या नहीं है। निश्चित ही तीसरी आँख है, वही देखने का काम करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आगे से
आप जो ये चश्मे है ना, ये जो चश्मे, ये आंखें दिखाई दे रही हैं, इनको आप आंखें नहीं समझेंगे, ये चश्मे ही समझेंगे। चश्मे को चश्मे की तरह समझें, उसको आंख ना समझें। अभी आप कहेंगे कि फिर इनकी क्या जरूरत थी, वो तीसरी आंख ही इस पूरे जगत को क्यों नहीं देख लेती है। उसके बारे में हम बात अलग से कर सकते हैं कि इन दो मोटी मोटी आँखों की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है। अभी तो थोड़ा बहुत तो मैंने बता ही दिया है कि तस्वीरों को छोटा या बड़ा करने के लिए। अब इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़े ब्रह्मांड की तस्वीरें बहुत बड़ी हो जाती हैं। ये जो सामने ब्रह्मांड यूनिवर्स पड़ा हुआ है, इतने बड़े ब्रह्मांड को की जो तस्वीर है वो बहुत बड़ी बनती है। अब वो बहुत बड़ी तस्वीर बनेगी तो उसको छोटे करने वाले चश्मे भी तो हमें चाहिए ना। छोटी तस्वीरें नसों के जरिए हमारे अंदर, दिमाग के अंदर वो तस्वीर तभी तो पहुंच पाएगी जब वो सूक्ष्म होगी, बारीक होगी, छोटी होगी। अब बड़ी तस्वीर को हम कैसे अंदर पहुंचाएंगे? आप खाना खा रहे हैं, एक बड़ी रोटी बनी हुई है, उसके छोटे टुकड़े हमें करने पड़ते हैं रोटी के, तभी तो हमारे मुंह के अंदर जाएगा, तभी तो वो पेट के अंदर जाएगा। तो बड़ा रोटी होगी, कुछ भी खाने का पदार्थ होगा, वो बड़ा हमारे पेट के अंदर नहीं जा सकता है। तो इसी तरीके से ये इतने बड़े ब्रह्मांड की तस्वीर हमारे दिमाग के अंदर, छोटे से के अंदर कैसे जाएगी? उनको छोटा करने के लिए ये आँखें लगा दी हैं, आँखें नहीं सॉरी ये चश्मे लगा दिए हैं। ये इतनी बड़ी ये तस्वीर को, ब्रह्मांड की जो हमें दिखाई दे रही है, उसको छोटा कर देती हैं नसों के द्वारा। वो हमारे ब्रह्मरंथ में तीसरी आँख तक पहुँच जाता है। तीसरी आँख कहना भी उसको गलत है, वो तीसरी आँख नहीं है, वो असली की ही आँख वही है। तो वो सब कुछ देखती है, देवताओं के पास भी है, आपके पास भी है, बड़े ब्रह्मांड को भी देखती है, इसको देखने वाली तो वही है, सपनों को भी देख लेती है, भविष्य में क्या होने वाला है वो भी देख लेती है, पिछले जन्मों में क्या हुआ वो भी देख लेती है, रिश्तेदार वहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं हजारों किलोमीटर दूर अपने गांव में, अपने देश में, अपने राज्य में, वो क्या कर रहे हैं अपने घर पे बैठे हुए, वो भी ये दिखा देती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, तीसरी आँख है, निश्चित ही है। गुरु सानिध्य में बैठ करके तीसरी आँख का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उसकी क्षमता को, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए ताकि वो ज़्यादा बारीक चीज़ों को और दिखा सकें। तो उसके लिए तो वो अपने आप ही खुल जाती है। जब आपका गुरु पूर्ण है तो तीसरी आँख अपने आप सक्रिय हो जाती है, काम करने लगती है। और वो कैसे काम करती है उसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। तो अभी तो ज़्यादा गहराई हो जाएगी, एक वीडियो में सब कुछ नहीं बताया जा सकता है कि तीसरी आँख काम कैसे करती है, वो खुलती कैसे है। तो ये तीसरी आँख के चक्कर चुक्कर में ना पड़े, भविष्य देखने के चक्कर में ना पड़े। दिमाग पे बोझ बढ़ता है, भविष्य देखोगे तो कोई बुरी घटना दिखाई दे सकती है, हादसा दिखाई दे सकता है, किसी का मरण जीवन भी घर परिवार में दिखाई दे सकता है, तो दिमाग पे बोझ बढ़ जाता है। भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करें। यहाँ पे भी सिर्फ इसलिए बता दी गई मैंने ये बात कि तीसरी आँख है या नहीं है, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है, सोचते रहते हैं पता नहीं है या नहीं है, तो इसलिए बताना थोड़ा ज़रूरी हो गया था। वैसे आप भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न करें, ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए यत्न करें, वही सर्वश्रेष्ठ है। वो गुरु के सानिध्य में वो ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो जाता है, भगवान प्रकट हो जाता है। भगवान इस कुदरत में छुपा नहीं रह सकता, क्योंकि जो पूर्ण गुरु हैं, कहते ही उसको पूर्ण गुरु हैं, जो आपको भगवत्ता की प्राप्ति करा दे, भगवान की प्राप्ति करा दे। तो ये तीसरे नेत्र तो स्वयंता ही खुल जाते हैं, दिव्य दृष्टि स्वयंता ही खुल जाती है, इनके चक्रों में ना पड़े, पीछे ना पड़े और मालिक को पाने की कोशिश करें। तो आप पूर्ण ब्रह्म हैं, परमात्मा आप स्वयं ही हैं, आपकी वजह से ही तीसरी आँख काम कर रही हैं। आप नहीं होंगे तो तीसरी आँख को शक्ति नहीं मिल पाएगी और वो काम नहीं करेगी। तो आप ब्रह्म हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, भगवंत हैं आप, मेरा प्रणाम प्यार से स्वीकार कीजिए और आगे कल किसी और शुद्ध विचार पे बात करेंगे, जिससे कि आपका दिमाग हल्का हो सके। समाज ने, शास्त्रों ने, टीवी चैनल्स ने जो गलत फहमियाँ आपके दिमाग के अंदर डाल दी हैं और आपके दिमाग के अंदर जो बोझ बढ़ा दिया है, वो बोझ को हम कम करने की कोशिश करेंगे।
ताकि आप जीवन को अच्छा महसूस कर सकें और दिमाग हल्का रहे और टेंशन फ्री रहे। धन्यवाद, आज के लिए काफ़ी जान लिया है तीसरी आँख के बारे में कि वो है या नहीं है। निश्चित ही है। धन्यवाद।